पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र कंवर ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की कोई भी शर्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। प्रदेश में बहुत अधिक साक्षर लोग भी हैं। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री बीरेंद्र कंवर ने बताया कि 30 नवंबर के बाद जिला स्तर पर रोस्टर को फाइनल तैयार करने को कहा है। दिसंबर के आखिरी या जनवरी पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव आयोग के आदेशों का अक्षरक्ष पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोस्टर एक्ट के अनुसार ही लगेगा, इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। विपक्ष के आरोप रोस्टर को लेकर गलत हैं। संविधान के अनुसार ही काम होगा। निर्विरोध चुनी जाने वाले पंचायतों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर विचार जारी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष रोस्टर को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के पास मौजूदा समय में प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के नेता व्यर्थ ही बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। रोस्टर जो है वो एक्ट के अनुसार ही होगा, जो रोटेट करेगा और जो भी गाइडलाइंस विभाग की जारी हुई हैं उसके अनुसार ही जो है वो रोस्टर्स को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसमें पूरी पारदर्शिता जो है वो इसमें बरती जाएगी। कंवर साहब, विपक्ष का आरोप है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अपने हिसाब से रोस्टर बदल रही है और उस हिसाब से ही रिजर्वेशन। अभी तक तो रोस्टर आया ही नहीं है। विपक्ष का जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। जो भी होगा वो संवैधानिक होगा, एक्ट के अनुसार ही होगा, इसमें किसी तरह की कोई जो है वो। पंचायती राज चुनाव को लेकर कुछ वायरल चीजें निकल रही हैं, क्वालिफिकेशन को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके, क्या मापदंड तय हो गए हैं या होने हैं कुछ? मेरा तो ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो है वो शायद पहला दूसरा राज्य है जहां लोग साक्षर हैं। वो मेरे ख्याल अब तो अनपढ़ रहा नहीं कोई भी, और लोगों को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने जनप्रतिनिधि का जो है वो चुनाव करें। वो उसके अंदर जो है वो क्वालिफिकेशंस, जो भी उसकी योग्यता है उसको भी जांचेंगे। उसके अंदर काम करने की जो भावना है, उसका अंदर जो विज़न है उसको भी जांचेंगे और उसके अंदर जो एक पूरा समय देने का जो है उसका जो देगा उसी को ही लोग जो है वो चुन करके भेजेंगे। जो भी मैंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइंस देगा, जो भी एडवाइजरी उसकी तरफ से आएगी, हम अक्सर से जो है वो पूरा सहयोग जो है वो चुनाव आयोग का जो है वो करेंगे और जो भी सुविधाएं जो देने की आवश्यकता होगी, सैनिटाइज करने की, मास्क वितरण करने की, जो भी आवश्यकता होगी हम करेंगे। के जो चुनाव हैं वैसे तो प्रोसेस जारी है। हमने पहले नई पंचायतें बनाई, नगर निगम बनाए, नगर पंचायतें बनाई और फिर उसका सीमांकन जो है वो किया गया है और अब जो है वो उसका जो रोस्टर की प्रक्रिया है वो चली है और जब भी चुनाव आयोग के जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार जो है वो प्रदेश की सरकार जो कार्रवाई करेगी।